हेलो फ्रेंड्स, भारतीय कुजीन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्प्राउट चीजी उत्पम। इसके लिए मैं ले लेती हूँ ये एक प्याला सूजी। आप चाहें तो इसकी जगह चावल वाला आटा यानी कि डोसा का आटा भी ले सकते हैं। और आधा प्याला मैं ले लेती हूँ इसमें दही और डाल देती हूँ नमक स्वाद के अनुसार। और डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी भी, जितनी आवश्यकता हो उतना पानी हम डाल देंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। थोड़ा पानी और डाल देती हूँ, लगभग 3/4 प्याला हम इसमें पानी लगा है। इसको भिगोने के लिए रख देते हैं 10-15 मिनट तक। तब भीग रहा है तो उसे और तैयारी भी कर लेते हैं हम। इसके लिए थोड़ी वेजिटेबल्स भी तैयार कर लेते हैं। तैयार कर लिए ये सारी सब्जियाँ काट कर। ये पत्ता गोभी ली है मैंने, टमाटर बारीक काट लिए हैं, खीरा को बारीक काट लिया है, हरी मिर्ची बारीक काट ली है, थोड़ी सी किशमिश लेंगे इसको रिच बनाने के लिए, और थोड़ा सा मैं काजू की टुकड़ी भी ले ली है मैंने, और ये मूंग और मोठ को मैंने रात भर भिगो दिया था। इसको हल्के से तेल में मैंने थोड़ा मसाला डालकर पका लिया है, इसे भी हम काम में लेंगे। और थोड़ी सी चीज़ भी मैं इसमें लूँगी काम में। बैटर हमारा बेक कर तैयार हो गया है। अच्छे से हम इसको हिला लेते हैं। इसमें डाल देते हैं एक के शीशे इनो का। जब इसे बनाएं तभी आप इसमें इनो डालें। और हल्का सा मैं इसमें पानी भी डाल देती हूँ जिससे कि अच्छे से कल्फी हो जाएगी। बस इतना सा पानी हमें इसमें डालना है और एक ही तरफ इसे घुमाना है। अच्छे से इसमें खमीर उठ जाएगा इस तरीके से। और बस तुरंत हमें चलना है गैस की ओर। हम तैयारी कर लेते हैं इसको बनाने की। पर रख दिया है मैंने एक नॉन स्टिक तवा गर्म होने के लिए। इसमें ग्रीस कर देते हैं ऑयल और इसे पोंछ देते हैं हम पेपर नैपकिन से। आप चाहें तो कपड़े वाले नैपकिन से भी इसे क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा तवा ग्रीस हो गया और इस पर कोई चीज़ चिपकेगी नहीं। इसमें डाल देते हैं हम बैटर। अच्छे से हिलाकर इसे डाल देंगे और इसको फैला देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और इस पर डाल देती हूँ मैं थोड़े से ये स्प्राउट्स जो हमने तैयार करके रखे हैं। आप चाहें तो उबले हुए स्प्राउट्स भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसे अंकुरित नहीं किया, आप चाहें तो इसे अंकुरित भी कर सकते हैं। इस तरीके से फैला देंगे इसमें पूरे में। और डाल देती हूँ थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी इसमें। डालती हूँ थोड़ी सी कैबेज, बहुत थोड़ी थोड़ी सी डालनी है। थोड़े से टमाटर डाल देती हूँ, थोड़े से खीरा भी डाल देती हूँ और हरी मिर्ची भी इसमें डाल देती हूँ बारीक कटी हुई। थोड़े से काजू के टुकड़े डाल देती हूँ फैलाकर चारों तरफ और थोड़ी सी किशमिश भी इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा रिच ही हमारा बन जाएगा। और चम्मच से इसे हल्का सा दबा देते हैं, इसी तरफ सब तरफ ये हल्का सा फैल जाए। और इसके चारों तरफ हम डाल देते हैं बटर। मैं इसको बटर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। तो मैं लगा देती हूँ इसके चारों ओर बटर का। चारों तरफ से इसको इस तरीके से बटर में ग्रीस कर देंगे और ढक देते हैं। मीडियम गैस पर हम इसे पका लेंगे। एक तरफ से सिक गया क्या, ऊपर से इसका कलर चेंज हो गया है, इट मीन्स ये एक तरफ से सिक गया है। देखिए तवा भी छोड़ दिया इसने, हल्के हाथ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। वाओ एकदम बढ़िया, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। इधर भी इसके हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे। दूसरी तरफ से हल्का सिक गया है, हल्के हाथ से वापस पलट लेते हैं। वाओ देखिए एकदम बढ़िया सा सिक गया है ये।
और इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ ये स्लाइस वाला चीज। आप चाहें तो आप कोई सा भी चीज इस पर डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा करके चारों तरफ डाल देती हूँ मैं इसमें, और ऊपर से डाल देते हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। वापस से 2 मिनट के लिए ढक देते हैं और उतार लेंगे। चीज हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है इस पर से, इसे उतार लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा हमारा बनकर तैयार है। थोड़ा सा ऊपर से ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स और डाल देती हूँ। अब अगर आप स्पाइसी खाना चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची और डाल सकते हैं। डाल देते हैं चारों ओर काजू किशमिश और हरी मिर्ची ऊपर से भी डाल देते हैं इस पे। तैयार है हमारा ये स्प्राउट चीजी उत्पम। आप कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर देखिए मेरी इस रेसिपी को और बताएं अपने अनुभव, आपको ये कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर भी कीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप देखना चाहें जरूर देखिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।